जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी पिज्जे की रेसिपी, बिल्कुल देसी स्टाइल जिदा अपने घर बनता है। तो जिन्होंने मैदा कच्चा कच्चा लगता है पिज्जे च, वो ये वाली रेसिपी ट्राई करके जरूर देखना, तुसी जरूर पसंद करोगे। लंच दे विच असीं खा रहे हैं पिज्जा, थोड़ा जिहा जंक खाना है बिकॉज वीकेंड आ गया आ। सो इस करके मैं सोचा कि पिज्जा बना लैनी हाँ। तो काफ़ी जने मैनू कहंदे सीगे कि पिज्जे की रेसिपी जिहड़ी आ उह प्रोपर सानू दसो पूरी डिटेल दे विच। वैसे तो मैं पाई हुई आ ओ, बट शॉर्ट्स दे हिसाब दे नाल पाई सीगी। सो काफ़ी जणियां नू कन्फ्यूजन आ। सो अज मैं कोशिश करूँगी कि वह वाली रेसिपी नू दोबारा तो शूट करन लई। अगर तुहानू कोई भी क्वेश्चन होए तो तुसीं कॉमेंट सैक्शन दे विच मैनू पुछ सकदे हो, मैं तुहानू आंसर दे दूंगी। थैंक यू। पिज्जा बनाने वास्ते सब तो पहला आप ले लेनी है इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। ये तुहानू बाजार विचों आराम नाल मिल जाती है, कि मैं हमेशा क्विक राइज वाली यूज़ करती हूँ। ब्रांड तुसी कोई भी वरत लो, बस इंस्टेंट जिहड़ी तुसी कहना है कि इंस्टेंट वाली दे दो। सो ईजी हो जाता ये वर्क करना। नाल दी नाल मैं लाऊंगी शुगर। तुसी खंड की जगह है ना अपने घर मेपल सिरप पिया हुंदा आ, हनी पिया हुंदा आ, शक्कर पई हुंदी आ, तुसी कुछ भी वरत सकते हो। सो क्योंकि यीस्ट दे नाल शक्कर पानी बहुत जरूरी हुंदी है, मिठा पाना, तो उहदे नाल ओ वर्क करना अपनी जिहड़ी आ शुरू करती है, एक्टिव हो जाती है। सो मैं एक भांडा ले लिया सिंपल जिहा जिहदे विच मैं आटा गुन्ना आ। तो इहदे विच सब तो पहलां आपां पावांगे कोसा पानी। सो ना तो वह इन्ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए कि तुहाडा हाथ ना लगे, तो ना ही वह इन्ना ठंडा होना चाहिए है कि मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। सो मैं एक गिलास जिहड़ा सीगा ये पानी ले लिया कोसा। सो मैं अगर अपनी इहदे विच फिंगर डिप करके देखा तो तुसीं देख सकते हो कि मैं आराम नाल, मैनू कोई उंगल मेरी साड़न नहीं गई। सो बिल्कुल आराम नाल मेरा हाथ जिहड़ा उहदे विच पै रहा है। सो हुण आपां इहदे विच पावांगे एक चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। सो मैं ऑलमोस्ट दो कोलियां बना रही हूँ, इहदे नाल दो तीन जने फैमिली दे विच वधिया वड्डा पिज्जा खा लेंदे आ। सो इस करके मैं एक चम्मच ईस्ट लई, उहदे विच एक ही चम्मच मैं जिहड़ी आ उह खंड दा पा लिया। तो फिर आपां इन्हां दोनों नूं चंगे तरीके नाल कर देना आ मिक्स। तो बस आपां इन्ना ध्यान रखना कि पानी ठंडा ना होवे ते ना बहुत ज़्यादा गर्म होवे, क्योंकि जे पानी दा टैंपरेचर सही ना होया ते उहदे जिहड़ा मिक्सचर जिहा बनना ना उह खराब जिहा हो जाता। घोल के फिर आप किसी भी प्लेट थाली कुछ भी तुहाडे कोल हैगा उहदे नाल ढक के 5-10 मिनट वास्ते रख दो। रखन तो बाद तुसीं इहनूं टच नहीं करना, 5-10 मिनट ही रखन की लोड़ हुंदी है। तो फिर आपां हुण देख लैंदे आ, मैं 5 मिनट बाद जदों चैक कीता तुसीं देख सकते हो इहदे उत्ते ना झग जी आ जाती है। सो वो जी झग आनी जी होंगी ना फॉर्म जी, वो बहुत जरूरी होंगी है। अगर भी आ झग आ गई है मतलब कि थोड़ा जो मिक्सचर आ जोड़ा पिज्जा बनेगा बहुत वधिया फुल्लू करता वधिया बनेगा। सो मैं आ वाली कौली ले ली एक, उहदे विच मैं पाऊंगी सिंपल मैदा जिहड़ा जिहड़ा भी तुहानूं मिलता आ आपां उह ले लेना। कैनेडा दे विच मिलता आ ऑल परपज फ्लावर, तो सो तुसीं उह वरत सकदे हो, कुछ भी ले लो। सो बस मैं एक दो जिहड़ियां कौलियां आ उह बना लैनी आ। सो जिद्दां मैं दो कौलियां लईआं, दो कौलियां आटे दे विच आपां पावांगे एक चम्मच यीस्ट दा ते एक चम्मच ही शुगर दा। हुण जिहड़ा कई जने पा लैंदे आ लून विच, वह राइट वे नहीं पाना हुंदा, थोड़ा जिहा जदों मिक्सचर पूरा फुल जाए एक बारी आटा वगैरह आपां पा लिया उस तो बाद असी लून पावांगे। ते इहनूं बस आपां हुण मेरे कोल तां आटा गुन्नण वाली मशीन आ, बट अगर थोड़े कोल नहीं हैगी, मेरे कोल भी कुछ क महीने पहले तक नहीं हैगी सी, सो मैं हाथ नाल ही गुंदी हुंदी सी, थोड़ी जी मेहनत ज़्यादा लगती आ, बट हुण मेरे कोल हैगी आ मशीन। सो इस करके आपां इस मशीन दे नाल आटा जिहड़ा आ पिज्जे दा उह गुन लैंदे आ। हुण तुसीं देख सकते हो कि मैं अपने आटे वाली मशीन जिहड़ी आ सैटअप कर ली आ। सो आपां हुण इस टाइम जस्ट आटा गुन्नण तो 2 सैकेंड पहलां आपां इहदे विच पावांगे थोड़ा जिहा लून, एक चम्मच जां तुसीं अपने स्वाद दे हिसाब नाल पा सकदे हो। एंड दूजी चीज़ जिहड़ी मैं इहदे विच पा रही हाँ अज, जिहड़ी कि मैं बहुत रेयरली पाउंदी आ, नहीं कि मैं हर वारी बनाउंदी हाँ, गार्लिक स्प्रैड आ पाउडर जी फॉर्म 'च, तुसीं गार्लिक पाउडर भी पा सकदे हो। ये बड़ा ज़्यादा ऑप्शनल चीज़ आ, हर वारी नहीं मैं पाउंदी, जिदन मैनूं याद आ जाए मैं चक के पा लैंदी हुंदी हाँ, क्योंकि मैं ना कॉस्को तो चक लिया सीगा, फिर उस तो बाद असीं ब्रैडां दे उत्ते लगा के खाते नहीं हाँ, तो ब्रैड बहुत घट खाने, तो इस करके वह फिर पिया है उन्होंने खत्म करने के चक्कर मैं कभी कभी पा लैनी हूँ। सो इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। तो हूँ बस मैं अपने जिन्ना कोल ते आ सेम मशीन हैगी आ, सो तुसी उन्होंने यूज़ करो, क्योंकि कुछ मैसेज करके मैनू कहिंदे हुंदे कि साडे को पई है पर सानू वरतनी नहीं आउंदी। सो वरतो यार, जिहड़ी चीज़ लई आ पैसे खरीदे आ, सॉरी
पैसे खर्चे आ उन्हों जरूर वरतो। सो मैं पीजे वाली डो वाली जिहड़ी सैटिंग सीगी उहदे ते जाके जिहड़ा सीगा आटा गुन्ना वह शुरू कर दिता। तो हुण मैं तुहानूं विच विच क्लिप्स दिखाऊंगी। मैं मशीन दे विच मैनूं 5 to 7 मिनट वध तो वध लगदे आ, बस इहनूं एक वारी रख के ते तुसीं अपने काम करी जाओ, मशीन ने आपे अपना आटा गुन्न देना तुहाडा। सो आ तुसीं देख सकदे हो आटा जिहड़ा आ इकट्ठा होना हुण शुरू हो गया आ। सो आटा जिहड़ा है अपना ऑलमोस्ट गुज गया। सो तुसी कोई भी तरह का इस पॉइंट के उत्ते आड़ के ऑयल जिहड़ा है पा सकते हो। पहला मैं रिफाइंड दिखाया सी, हुण मैं अज मैं यूज़ कर रही हाँ एक्सट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तुसी तुहाडे कोल जिहड़ा भी तेल या घिओ आ तुसी जो मर्जी पा सकते हो। 1-2 चम्मच अंदाजे जे नाल पा लेंदे हुंदे आ ताकि जिहड़ा वा वह चिप चिप जिहा ना करे आटा। तो जे तुसी हाथ नाल गुन रहे हो है ना, फिर तुहानूं शायद थोड़ा जिहा तेल जड़ा है वो ज़्यादा लगाना पवे, अदरवाइज 1-2 चम्मच मशीन दे विच बहुत होंदे आ। ते बस हुण आटा गुज गया, इहनूं आपां कढ लेना आ। ते हुण मैं देखियो तुसीं वैसे तो तुसीं चाहो तो इदां ही छड्ड के इहनूं कवर करके रख सकते हो, उहने फुल जाणा आ। बट मैं थोड़ी जी OCD जी हैगी आ, सो मैं की कर रही हूँ उहनूं थोड़ा जिहा इकट्ठा करके ना ते हथ नाल उहनूं जिद्दां राउंड जी शेप दे विच करन लगी हाँ ताकि वधिया लगे, प्लीजिंग जिहा लगे। अदरवाइज तुहानूं ये सब करन दी लोड़ नहीं हुंदी जदों तुसीं मशीन दे विच आटा गुंदे हो। सो मैं सारा जिदां उपरों खिच के ते उहनूं थल्लड़े बन्ने टक कर दिता। एक तरीका हुंदा वा पिज्जा डो टक करन दा, सो तुसीं सेम मैथड दे नाल इहनूं इकट्ठा जिहा करके ते अपने जिहड़ा उह भांडा आ तुसीं चाहो ते सेम भांडा वर सकदे हो, जां तुसीं चाहो ते एक नवां भांडा कढ लो। मैं ते भांडे बस बचाउण दे चक्कर दे विच सेम च ही कर रही हाँ। तो आटा अपना पूरा बिल्कुल रेडी है। तो जिहड़े भी भांडे च तुसी पाना है मेक श्योर करो कि उहदे विच तेल जरूर ला लो, क्योंकि जो फुलदा है उन्हें पूरा आटे ने डबल साइज़ होना हुंदा है। तो उहदे नाल की हुंदा है जे तुसी तेल लगाया होवे ना तो वह फिर भांडे नूं चिपकदा नहीं है, तो वह वधिया जिहड़ा वधिया तरीके नाल फुल जाता है। सो इहनूं आपां लगा के हुण तो इहदे विच आटा जिहड़ा आ वह रख देंगे। हुण मैं इत्थे आटे नूं जिहड़ा आ ओह क्लिंग रैप दे नाल कवर कर रही हाँ। ईजीली सुपर मार्केट वॉलमार्ट वगैरह तो मिल जाता है, जे तुहाडे लागे नहीं ईजीली अवेलेबल तो तुसीं सिंपली प्लेट नाल ढक सकते हो, जां फिर तुसीं पौना भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा जिहा गिला कर लिओ तो उहनूं बस ढक के रख दो। बेस्ट रिजल्ट वास्ते जिन्ना ज़्यादा ज़्यादा देर लई तुसीं आटा फुल्लण नूं रखोगे उन्ना ज़्यादा वधिया क्रिस्पी बेस बनता आ। सो जिद्दां मैं की करदी हुंनी, सवेर दे टाइम मैं आटा गुन के रख लैनी हुंनी, तो शाम दे टाइम डिनर दे विच साडे घरे पिज्जा ज़्यादातर बनता आ। सो उहदे नाल की हुंदा पिआ पूरा दिन वधिया आटा जिहड़ा आ उह प्रूफ हुंदा रहिंदा आ, फुलदा रहिंदा आ। सो ये बेस्ट तरीका हुंदा आ। ओवन दीआं सैटिंग्स वेख लैंदे आ। पहलां मैं ओवन नूं प्री हीट कीता 550 ते घंटा क घट्टो घट्ट 1 घंटा रखो। ते दूजी चीज़ ओवन दे विच ना मैं तुसी पिज़्ज़ा स्टोन भी रख सकते हो, मैं टाइल रखी हुई है उहदे नाल बेस भी कुक हो जाता। सो जिहड़े कहिंदे ना मैदा सानू कच्चा कच्चा लगदा, अगर तुसी टाइल नू 1 घंटा पूरा प्री हीट करन ते रख्या होगा ना उह पूरी गरम गरम टाइल दे उत्ते जो तुसी पिज़्ज़ा रखदे हो ते उहदे नाल बेस पूरा जिहड़ा आ उह रेडी हो जाता आ। हुण नाल दी नाल मैं जिहड़ा आ पिज़्ज़े दीआं तुसी किसे भी तरीके लंबी लंबी कट लो, चौरस कट लो, निक्के निक्के चॉप कर लो सब्जियां, किसे भी तरीके नाल जिहड़ियां सब्जियां अपने मन पसंद दे हिसाब नाल तुसी कट के सब्जियां वगैरह कर रख सकते हो। तो बेस्ट तरीका ही होंगे यार सारा कुछ मिक्स कर लो, क्योंकि उहदे विच मिक्स करके पैना आ। सो मिक्स करके रख लो। इहदे विच मैं सारे कलर दीआं पैपरस यूज़ कीतीआं आ, अनियनस यूज़ कीते आ, हैलोपीनो पैपरस मैं घर बनाउंदी हुंदी, दोनों तरह दीआं पैपरस बहुत सौखियां आ। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि मैं इहदी रेसिपी शेयर करां तो कॉमेंट च मैनूं दस्सिओ, मैं जिहड़ियां बनाना पैपरस ते हैलोपीनो पैपरस दी रेसिपी जरूर शेयर करूँगी। फिर आ थोड़े जिहे ऑलिव जिहड़े कि मैं फ्रीज़ करके रखे हुंदे आ क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क च मिल जाते हैं। एंड नाओ हुण टाइम आ गया जी अपना पिज़्ज़ा डो जिहड़ा आ उह पूरा फुल फुल के रेडी आ, डबल हो गया अपने साइज़ दे विच। वीडियो दे विच इन्ना पता नहीं लग गया बट हाँ डबल हो गया साइज़ च। सो हुण इहनूं आपां वेलदे आ, स्ट्रैच करदे आ। उहदे वास्ते पहलां आपां थोड़ा जिहा मैदा ले लिया, उहनूं थोड़ा जिहा अपनी शेल्फ़ दे उत्ते मैं स्प्रिंकल कर लिया। एंड दैन आ दो मैं कौलियाँ लिया सी, दैट मीनस दो मीडियम पिज़्ज़े बन जाते हैं, बट मैं राइट नाउ सिर्फ एक बनाना है, एक मैं फिर रख देना आ। सो आपां अद्ध च कट देना है। कई कहिंदे आ कि इहदे च हवा जी मुक्की जी मार के है ना कढ लो, टोटली अप टू यू। अगर थोड़ा बबल्स वगैरह वधिया फुलिया फुलिया पिज़्ज़ा वधिया लगता है फिर ना कढ़ो, अगर तुसी बिल्कुल फ्लैट जे टाइप खाना है तो तुसी उहदे च जिहड़ी हवा जी हुंदी आ है ना वह तुसी कट सकते हो। सो एक मैं ढक लिया है तो एक आपां हुण आपां बनाउने आ।
ਆ ਟ੍ਰਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਸਕੇ ਡੋ ਨੂੰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਜਾਨ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲਿੰਗ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਲਾਈਕ ਵੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਠੀ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬਟਰ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ ਸੱਚੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਪੀਜ਼ਾ ਸੌਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੌਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਚਿਪਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਪਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਆ। ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਲਿਵ ਓਇਲ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕੰਢੇ ਬਣਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਲੀ ਫਲੇਕਸ ਅਤੇ ਓਰੇਗੈਨੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੀਜ਼ਾ ਟੋਪਿੰਗਸ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਵਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। 550 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ 7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਓਵਨ ਔਫ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਇਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਬਰੋਇਲ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਇਲ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਰੋਇਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਂ ਰੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੋਇਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਕ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਰੋਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਕਿਆ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ